सीएम आवास को लेकर सत्ता दोष की चर्चाएं आम हैं। उस बंगले में कई मुख्यमंत्रियों ने प्रवेश भी किया और उसमें रहे भी, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसे भी सीएम रहे जो इस बंगले में सीएम रहते कभी ही नहीं गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरीश रावत की। लेकिन फिर भी उनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि अब लगने लगा है कि वाकई कहीं ये अंधविश्वास तो नहीं। पिछले 14 साल से उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा ये वो राज है जो आज भी राज बना हुआ है। सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन सीएम आवास के अंदर दफन इस राज को नकारने से बचते हैं। 2017 से लेकर 2022 तक जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से उत्तराखंड की राजनीति में घटे, वो उस इतिहास का अगला अध्याय है जो 2012 से लेकर 2017 के बीच घटा और जिसकी साक्षी रही हर पार्टी और हर नेता। 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी और उस वक्त विजय बगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री इसी आसियाने में गए और यहीं को इसी को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन विजय बगुणा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दरअसल 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, दांव पेंच का खेल शुरू हो चुका था और आखिरकार कांग्रेस आला कमान ने जिस चेहरे और नाम पर मुहर लगाई वो विजय बहुगुणा रहे। विजय बहुगुणा कांग्रेस सरकार के सिरमौर बने और फिर बारी थी सीएम आवास में प्रवेश करने की। तब तक इस आवास से जुड़ा ये सत्ता दोष राजनीति के गलियारे में सिर्फ अफवाह या किस्से कहानी तक ही सीमित था, लेकिन जो विजय बहुगुणा के साथ हुआ उसके बाद अगले सीएम ने इस बंगले से दूरी बना ली। विजय बहुगुणा उत्तराखंड के 2012 में सीएम बने और उम्मीद थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार होने की वजह से 2017 तक वो अपने पद पर काबिज रहेंगे, लेकिन इसी बीच समीकरण बदलने लगे और फिर 2014 में बड़ा उथल पुथल देखने को मिला। 2014 में विजय बहुगुणा सीएम के पद से हट गए। विजय बहुगुणा की जगह हरीश रावत बने नए मुख्यमंत्री। सीएम आवास के राज को लेकर फिर होने लगी चर्चा। राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले हरीश रावत सीएम आवास से जुड़े इस रहस्य के किस्से कहानियों से लेकर इसके उदाहरण तक से वाकिफ थे और फिर जब उत्तराखंड की सत्ता सीएम हरीश रावत के हाथ में आई तो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उन्होंने फैसला लिया। दरअसल हरीश रावत ने देहरादून के न्यू कैंट रोड पर बने इस सरकारी आवास से दूरी बनाए रखी और इस दौरान वो बीजापुर में ही रहे, लेकिन सीएम आवास से जुड़ा ये शायद एक मिथक है क्योंकि हरीश रावत सीएम रहते हुए कभी आवास में नहीं गए। फिर भी अपने कार्यकाल के दौरान कई चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। 2014 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हरीश रावत। मार्च 2016 में उत्तराखंड की राजनीति में उथल पुथल हुई और कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए। करीब 2 महीने तक ये सियासी रस्ताकशी चली। इस चुनौती से नायक बनकर उभरे हरीश रावत और सरकार में बने रहे। उस दौरान सियासी हलकों में ये खबर तैरने लगी कि सीएम आवास से दूरी बनाए रखने का फायदा हरीश रावत को मिला है, लेकिन 2017 आते आते हरीश रावत के सत्ता दोष से दूरी बनाए रखने के दावे खारिज होने लगे थे क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका था। 2017 में हरीश रावत 2 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी बने, किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ा, लेकिन इन दोनों सीटों पर हरीश रावत चुनाव हार गए। एक वक्त था जब हरीश रावत ने अपने पूरे कार्यकाल में सीएम आवास से दूरी बनाए रखी और चर्चा थी कि जो सत्ता दोष सीएम आवास से जुड़ा है उसी वजह से हरीश रावत ने ये फैसला लिया है, लेकिन सीएम आवास से दूरी बनाए रखने के बावजूद हरीश रावत सीएम रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन हरीश रावत अपनी हार के साथ जो सीएम आवास से जुड़ा मिथक तोड़ चुके थे वो सियासी गलियारे में आज भी जिंदा है।
और उसका असर न सिर्फ भाजपा सरकार के तीन तीन मुख्यमंत्रियों पर पड़ा, बल्कि अब जब पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए हैं तो एक बार फिर सत्ता दोष की कहानी जिंदा हो गई है। जो सच है या अफसाना, ये भी एक राज है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।